कैसा होती है गेनिंग? ये न्यू कार इन द हाउस, बनवाऊंगा ऊपर हेलीपैड, एक टीन को ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाऊंगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज तुम्हारा भाई जल्दी उठ गया भाई, गाड़ी चेक करो अपनी, न्यू कार इन द हाउस। एक बार मैं गाइस सामान रख लूं अपना, फिर चलते हैं जिम। फीस टाइम, रोज रोज नई नई गाड़िया। ओफो, हेलो गाइस, करो फिर चेक अपने नई कार नू। मजाक कर रहा हूँ, अपने नहीं है वैसे, पर जिसकी भी है भाई गाड़ी है, सेडान गाड़ी भाई, जेनुअनली बता रहा हूँ, मजा आता है भगवान कसम, चलाने में भी और बैठने में भी फील है पूरा गाड़ी में। बस गाड़ी में थोड़ी दिक्कत ही है, भाई ने गाड़ी मेंटेन नहीं कर रहा, कि देखो ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब चीज़ें हैं। अभी गाड़ी पैसा मांग रही है, एक वो देखो, मेरे को पता है सबसे बुरा क्या लगता है, सबसे बुरा ये लगता है यार, जब इतनी महंगी गाड़ी है और उसे मेंटेन ना करा गया, फिर दिल टूट जाता है यहाँ पे यार पूरा। चल कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाई गाड़ी का इंटीरियर ये चीज़ें प्यारी लग रही हैं, पर भाई ने काफ़ी रफ कर रखी है चीज़, ये तो काफ़ी स्लिपरी होती हैं चीज़ें, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी है बढ़िया सेक्सी गाड़ी देखो बिल्कुल। बस गाड़ी भाई ने मेंटेन नहीं कर रखी, अगर तुम्हारी कसम मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, 4-5 लाख रुपये लगा गाड़ी में, और गाड़ी का बना दो जहाज और बूस्ट बढ़िया। तो भाई अभी जूस पीते हैं अपना, लाओ भाई, थैंक यू भाई, खिड़की लगा दो। तुम सोच रहे हो क्या कहते हैं कि भाई तुमने खिड़की खोली, शीशा क्यों नहीं खोला, अभी बताऊंगा। कल मैंने शीशा खोल दिया और इसका ये वाला बटन टूटा हुआ है। अरे थर्ड क्लास गाड़ी है भाई। कोई दिक्कत नहीं यार, वर्कआउट वगैरह सब कुछ ख़त्म भाई, घर आया हूँ, इतना इरीटेटेड हूँ बहुत ज़्यादा। ये देखो दिमाग की नस देख रहे हो मेरे, फटने वाली है भाई, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। एक बात बताओ, जैसे होता है ना भाई, तुम्हें कोई काम हो ठीक है, और तुम उस काम को क्या कहते हैं, किसी के कहने पे एक दिन डिले कर दोगे, 2 दिन डिले कर दोगे, 3 दिन कर दोगे, ज़्यादा 3 दिन, 4th दिन तुम्हारा हो जाएगा भाई, अब नहीं कंट्रोल होता मुझसे। चल कंट्रोल भी छोड़, ऊपर से अब ये उस काम में ये कर दो, वो कर दो, एक और काम कर दो, अरे भाई कंट्रोल उदय। बस मुझे पता है मैं कैसे कंट्रोल करके बैठा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइज़, आप थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। व्लॉग तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता अब एक भी दिन अपनी ऑडियंस को मौका दूँ कि भाई आज व्लॉग नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ रोज़ व्लॉग आए और रोज़ मेरी पब्लिक देखे क्या क्या लाइफ में चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है, सब चीज़ मतलब कुल मिला के बात यह है। तो गाइज़ अगर कोई तुमसे कुछ काम के लिए कहता है ना, तो या तो उसको फ़ौरन बोल दो कि हाँ भाई हो जाएगा, या फिर बोल दो भाई नहीं होगा, सीधा हाँ या ना का जवाब दिया करो। ये तुम अगर लटका के रखोगे ना काम को, तो सामने वाले इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है, क्या हो रहा है उसके मन में, क्या नहीं, ये किसी को नहीं पता होता। अब जैसे मेरे मन में ये है कि अब अगर उसने एक बार और ड्रामाबाजी करी फोड़ दूंगा, ऐसा वाला सीन चल रहा है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता ही हम शांत आदमी हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो गुस्सा अपने को तो आता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइट वाइट जो भी अपना खाएंगे। आसिफ भाई जी, जे अपना घर जे वाला जी, कैसा है लोकेशन? बहुत बढ़िया कर रखी है। लोकेशन बता कैसी है? बढ़िया ना, आजा तो चोपर का उतर करेगा, चोपर भाई बनवाऊंगा ना, क्या कहते हैं, अरे आऊंगा चल रहा, वो बनवाऊंगा ना ऊपर हेलीपैड, एक टीन को ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाऊंगा भाई। तो गाइस अपना इतना काम कंप्लीट हो गया, देख लो बहुत तेजी चल रहा काम। ओ अभी लिया प्लॉट, लिया 350 मीटर का, भाई बहुत तेज चल रहा काम यार, भाई पता नहीं मुझे, मेरे ख्याल से 2-3 फ्लोर बनेगा। मैं घर ना हाँ, यार मेरा मन पता क्या है, ये उस साइड वाला गेट खुल जाए ना, मामले से लाइट जलना, हाँ पूरा घर मतलब वो रहेगा, वॉइस पे रहेगा पूरा घर, ताली वाली वो लगेंगी लाइट और ताली से गेट, फिर अगर हम आए करेंगे कैसे लाइट जलनी है। बेस का तो सारा मामला है घर का, नहीं तो इस बेस में देख ले, इनके बेस में देख ले, देख इनके बेस में कितना फर्क है और हमारे बेस में देख ले भाई, फर्क कैसे ना, ये हमारे में ताली बजेंगे उनमें ताली ना बजेंगे, जो 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 बात है, जो बात किधर पैसा बोल रहा, उधर पैसा नहीं बोल रहा ना, बोलेगा भाई। गाइस काम चल रहा है बहुत तेजी से, लाइटें भी चल रही है, AI तो जब तेरे स्नैपचैट पे AI आएगा, AI हां वो बहुत दिमाग बेटा, एक बात बताऊं तुझे, हां तो गलत कर रहा है, बहुत दिमाग मार रहा, तो
तेरी जितनी प्राइवेट चीजें है ना सब एआई के पास जा रही है फिर तो तेरी कसम खा रहा हूँ। प्राइवेट चीजें तेरी मतलब जो तू फोन में रखता अपने प्राइवेट चीजें तो हटाया कैसे अब ना हटा तेना कर दिया वासू बच्चों से शुरू कर दिया ना तेरे वासू क्या क्या दिमाग मारा सही बताइए गाली वाली करी देखो गाली वाली दवा के उसमें पक्का है ना अब तो देखे तेरी दिक्कत होने वाली है मारूंगा अब जो तेरी ऑडियो है बिकने वाली है ये सेल है क्या सेल है हाँ भैया सेल है कितने की सेल है ये 2-10 की 5000 रुपए में ले रहा हूँ मैं क्या व्हील कवर से ना गाड़ी बेटे पूरी गाड़ी 5000 में तो यूज ना मिलेगा हैवी वाली फिल्म चढ़ रही है इसमें तो महंगा चांदी है तो उसके लिए मैं ही चलाऊंगा गाड़ी तालो भाई एक बात आसिफ भाई कंफर्टेबल ना इसमें हागी हागी जो यू है ना वो स्पेस जे जे बहुत है जे मजा दिला रही गाड़ी में वरना से ज्यादा स्पेस आ गया ठीक है एक सेल्फ स्टार्ट देखो सीएनजी पेट्रोल अपना पाती है ओफो वो तो मैंने बूस्ट ना ऑन करे ठीक है देख देख सीएनजी तेरे हैंड ब्रेक खत्म हो जावे लड़की आती है मालूम है क्या काम है यार अपनी जल्दी नाच के दिखा तू पहले नाच के बता भाई ये सब खाओगे तो गेनिंग होगी बढ़िया गेनिंग नहीं पेट निकलेगा ठंडे गरम गरम बहुत अरे यार गरम क्यों यार ठंडे चाहिए मुझे तो खा के देखिए गरम ले आया तो जब हम एक जगह गए हुए थे पर हमें अर्जेंटली आना पड़ा क्योंकि एक विधायक जी आ रहे हैं आज घर पे तो वो तो डेकोरेशन वगैरह तो हो चुकी है बस एक या नहीं आधा घंटा या 15-20 मिनट लगे आने में बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है ये देखो कर तेन चिर बली मिट लगता नी खोल दई सिर बली लक मेरा कहना जितनी तू दुनिया कम मेरे कहने तेन जेल भेजना फोन रखिया दूजे आली रखिया ब्लैक बेरी नी आने दिता डी सोनिए जो जी ना कि तेल भेजना जट पहली सर फोटो ले लियो नहीं नहीं ऐसे ले लो ऐसे ही ले लो तू तड़प गया तू नसीब वाला आशीर्वाद दे रहे अरे ले ले तो
हटे चल देने मुंड तो जटां दे पोतरी शहर तेरे पावे साडा ना पहुंचे ना चलदा है टॉपे उत्ते तेरा यार उतों मोटे नाल मोटा जोड़ खड़े यार नी मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार डब बत्ती बोर थले ओ मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार डब बत्ती बोर थले काली कार आओ बोर वांगू जड़ा बहुत डूंगी आखड़े लोकां दा दी एवें पिंगे बोले घूमदे तेरे पादा सिद्धू घूमे कला अभी हुए हैं हम फ्री और भाई बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था आज अपना शाम के टाइम। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था जैसे कि आपने देखा था अपने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे अपने घर पे। तो पहले तो भाई मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके क्योंकि आज पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अध्यक्ष जी से कि ये हमारा छोटा बेटा है, इसके 3 लाख फॉलोअर। तो क्या कहते हैं उन्होंने मतलब पहले पापा ने सम्मानित करा था अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने फिर उठ के मुझे सम्मानित करा इतने लोगों की भीड़ में। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत गर्व की। पहले बोली थी ना 3 लाख फॉलोअर है तो वो वाला मूवमेंट कैप्चर नहीं हुआ जिसमें वो थोड़े शॉक से शॉक हो गए। अभी सिस्टम है पता ही नहीं था, एकदम से ही फोन हुआ है कि हम तो कहीं और चले गए थे। मैं तो बाहर खड़ा था फिर मैं गया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को लेके। तो पहले तो मैं दिल से आभार हूँ अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और आपको भी जो आपने इतना प्यार दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ स्टैंड कर पाया हूँ। तो भाई आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ रहना हमेशा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए इतना ही प्यार सपोर्ट रखना हमेशा अपना और कोशिश करना कि आगे तक ये सपोर्ट रहे मेरे साथ आप लोगों का। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू।